मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेशन के बारे में आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, जब भी कार के अंदर आइडलिंग आरपीएम रिलेटेड इश्यू आता है या थ्रोटल बॉडी क्लीन करते हैं फ्रेंड्स, तभी हम उसका कैलिब्रेशन या रिसेटिंग करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी का रिसेटिंग कैलिब्रेशन, यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। मारुति सुजुकी अल्टो 800 है फ्रेंड्स, और इस गाड़ी के अंदर हम थ्रोटल बॉडी रिसेट करने वाले हैं। जो स्कैनर के अंदर भी उसका ऑप्शंस नहीं है, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको किस तरीके से ये अल्टो 800 के हम थ्रोटल बॉडी रीसेट कर सकते हैं। तो इस गाड़ी को हमने सर्विस किया, सर्विस के बाद इसको हमने थ्रोटल बॉडी स्प्रे से इसे क्लीन किया है फ्रेंड्स। तो क्लीन करने के बाद अब गाड़ी को हम रीसेट करने वाले उसका थ्रोटल बॉडी। तो थ्रोटल बॉडी रीसेट करने के लिए क्या सिस्टम अप्लाई करना है वो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते समय गाड़ी के अंदर कोई भी लाइट वगैरह स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जैसे आइडल कंडीशन में आती है तो हमें ये इसका जो कपलर है वो निकाल देना है। तो ये कपलर निकालने के बाद जैसे ही कपलर निकालते हैं तो एक दो ऐसे 30 सेकंड के लिए हमने उसे गिनती स्टार्ट कर देना है। जैसे ही 30 सेकंड हमारा होता है तो वो कपलर वापस लगा के हमें गाड़ी को ऑफ कर देना है। गाड़ी को ऑफ करने के बाद सीधा स्कैनर लगाना है। स्कैनर लगाने के बाद जो भी अंदर DTC है उसे क्लीन करना है। DTC क्लीन करने के बाद इग्निशन ऑफ करके चाबी निकाल देना है, और एक मिनट के लिए हमें होल्ड करना है। एक मिनट के बाद हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमारा थ्रोटल बॉडी रिसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट है, तो अभी हम उसका कपलर निकालते हैं। जैसे ही कपलर निकाला फ्रेंड्स, तो ये रेस बढ़ गया है हमारा। हमें 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तीस सेकंड के बाद हमें इसे लगा देना है वापस। अभी गाड़ी को कर देना है हमें इंजन ऑफ। तो फ्रेंड्स, थ्रोटल बॉडी का कपलर लगाने के बाद हमने इंजन ऑफ कर दिया है। अभी हम करेंगे इसका स्कैनर लगाया हुआ है, अभी करेंगे इसको स्कैनर से DTC क्लीन। तो फ्रेंड्स, DTC क्लियर करने के बाद हमने इग्निशन ऑफ कर दिया है कि बाहर निकाल दिया है, और ठीक एक मिनट के बाद उसे हमें गाड़ी का इग्निशन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करना है। तो इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन, अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो थ्रोटल बॉडी हमारा रिसेटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मारुति अल्टो का आप थ्रोटल बॉडी रीसेट कर सकते हो। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, फिर थ्रोटल बॉडी का कपलर निकालना है, 30 सेकंड के लिए निकाल के रखना है, फिर लगा देना है, उसके बाद इग्निशन ऑफ करना है, और इग्निशन ऑन करने के बाद स्कैनर से सीधा DTC क्लीन करना है। DTC क्लियर करने के बाद एक मिनट के बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, और गाड़ी स्टार्ट करते ही आपका थ्रोटल बॉडी रीसेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।